हेलो भाई, मैं विक्रम और आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे इंडियन एसयूवी की, जिसका नाम है टाटा सफारी। और भाई ये अपनी इंडिया में फेमस, बड़ी फेमस और लेजेंड कार है। फ्रंट लुक्स की बात करें तो भाई ब्लैक ग्रिल मिल जाती है, और ये एडवेंचर वेरियंट, एडवेंचर इनका आता है, डार्क एडिशन आता है, एडवेंचर एडिशन है टॉप मॉडल। ये सफारी की बैजिंग ब्लैक कलर में मिल जाती है, ये ब्लैक कलर की ग्रिल, टाटा का लोगो यहाँ पे। और ये DRL भाई, LED DRL मिल जाते हैं यहाँ पे। इसके हेडलैम्प्स मिलते हैं, हेलोजन हेडलैम्प्स है भाई। ये प्रोजेक्टर लो बीम के लिए, और ये हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर दिया गया है, और ये फोग लैम्प। यहाँ पे कुछ अनेकॉन स्टाइल रेडिएटर ग्रिल है, ये नीचे ब्लैक फिनिश है बम्पर पे। भाई साइड से कुछ ऐसी लगती है, बड़ी मतलब यूज सी लगती है, बहुत मस्कुलर सी। और टायर साइज की बात करें तो 235/60R18 के टायर मिल जाते हैं, 18 इंच के अलॉय व्हील्स हैं। ये कुछ ऐसी फिनिश में भाई, सिल्वरी मतलब डायमंड कट से मान लो, अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं इसमें। ये ब्लैक फिनिश में ORVM टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, LED टर्न इंडिकेटर इस पर। और डोर हैंडल्स में यहाँ पे ब्लैक क्रोम है, ये रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, और यहाँ पे बॉडी कलर भी मिलता है। डी पिलर डी पियानो फिनिश में मिलता है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्लास एरिया। और ये कुछ ब्लैक से फिनिश है, ये रूफ रेल्स है, ये फ्यूल लीड है। और भाई पीछे की बात करें तो कुछ ऐसे पीछे से भी कुछ हैरियर सी लगती है, ऐसी लाइट है इसकी, ये LED लाइट है। इंडिकेटर हैलोजन मिलता है इसमें। भाई ये फेक एग्जॉस्ट है, इसका एग्जॉस्ट वहाँ पे हो रहा है, नीचे स्पेयर टायर मिल जाता है। ये पार्किंग सेंसर्स है, यहाँ पे सफारी की बैजिंग में ब्लैक कलर मिलती है, ये पियानो ब्लैक फिनिश में है। और ये रियर कैमरा, वाइपर, ये रियर डिफोगर, और एक चार फिन एंटीना मिल जाता है। फेस की बात करें तो एक दबा बटन दबा भाई, इतना सा बूट स्पेस मिलता है इसमें बस। यहाँ पे इसके कुछ सामान सा जाता है, और यहाँ पे लाइट मिल जाती है, इसको फोल्ड कर दे तो। एक मिनट करिए ना, फोल्ड करिए, इसने खींची से ना भाई। थर्ड रो फोल्ड करने के बाद काफ़ी बूट स्पेस बन जाते हैं इसमें। ये बोतल होल्डर, ये भाई चार्जिंग के पोर्ट मिल जाते हैं, यहाँ पे नेट मिल जाता है थोड़ा सा ही हुक। इसमें JBL के स्पीकर्स मिलते हैं, ये वूफर है। और इस साइड भाई AC के कंट्रोल्स, ब्लोअर के कंट्रोल मिलते हैं। इसको अप कर देते हैं, और यहाँ पे भी AC वेंट मिलता है, और इस साइड भी 6 एयरबैग्स आते हैं इसमें। सेफ्टी वाइज भाई टाटा की गाड़ी है तो भाई सेफ तो होगी। हैरियर को 5 स्टार मिल रखे तो भाई उसी पे बेस्ड है बस, उसका एक्सटेंडेड व्हील बेस मॉडल समझ लीजिए आप। और ये इसके ड्राइवर साइड लुक्स, नीचे भाई रेड लाइट मिल जाती है पीछे वाले, मतलब देख ले इसको खिड़की खुली हो तो। ये लेदर फिनिश है, सॉफ्ट टच बेज कलर में। प्लास्टिक क्वालिटी की बात करें तो भाई बढ़िया है। और ये कुछ पियानो फिनिश में, डोर हैंडल्स में जाते हैं, ये पावर विंडोज़ के कंट्रोल है। और भाई ये बड़ी मतलब हैवी सी लगता है, इसका डोर बड़ा हैवी सा है। ये ORVM के कंट्रोल्स में जाते हैं। सीट्स की बात करें तो ड्राइवर साइड सीट पावर एडजस्टेबल मिल जाती है बेज कलर में। सीट्स में यहाँ पे एयर बैग है, लेदर राइट सीट्स है सारी। ऐसा कुछ इसका डैशबोर्ड, यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। ये AC वेंट्स भाई क्रोम पियानो फिनिश है इसकी, कुछ उससे सराउंडेड है। स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो सॉफ्ट टच लेदर राइट स्टेयरिंग व्हील है, लेदर रैप। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल्स, ये भाई MID के इसके इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स, और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। भाई अभी ऑन नहीं कर सकते, ये शोरूम वाले मना कर रहे हैं कि ऑन नहीं कर सकते। और ये इसके
इंफोटेनमेंट इसको ऑन करता हूँ, एक मिनट है। देखो ये टाटा का लोगो आ जाता है इस पर, और यहाँ पे कुछ फंक्शन मिल जाते हैं, ये फॉग लैंप्स के कंट्रोल्स हैं, एक मिनट। और ये इको मोड स्पोर्ट्स मोड है, ये ऑटोमेटिक एसी, और यहाँ पे मिल जाता है वायरलेस चार्जर ये यहाँ पे, और ये है यूएसबी के, और ये टोर कन्वर्टर सिक्स स्पीड, ये इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है, ऑटो होल्ड का फंक्शन भी मिल जाता है, बोटल होल्डर, और यहाँ पे मिल जाता है छोटा सा आर्मरेस्ट, यहाँ पे 12 वी का पोर्ट मिल जाता है, और कूल्ड आर्मरेस्ट है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो इतना स्पेस कुछ मिल जाता है, यहाँ पे लाइट मिल जाती है, ये ऑटोमेटिक डिमिंग IRVM है सर, ये कैबिन लाइट, और पैनारोमिक सनरूफ मिलती है इसमें, पैनारोमिक सनरूफ है ये भी, ऑन नहीं है तो भाई खोल के नहीं दिखा सकता इसमें। अब पिलर पे भी मिल जाता है एयरबैग, और पीछे की बात करें तो ये भाई पीछे वाला डोर की लुक, यहाँ पे भी लेदर फिनिश है, सॉफ्ट टच है, ये भी वही पियानो फिनिश में, JBL के स्पीकर है, पावर विंडोज के कंट्रोल, यहाँ पे कुछ स्पेस है, ये बोतल होल्डर, और ये भाई लेदर सीट्स है, ये भाई ऐसे फोल्ड हो जाते हैं और पीछे जा सकते हैं ऐसे। पीछे की स्पेस की बात करें तो भाई इतना कुछ स्पेस मिलता है, वही है बच्चों के लिए, ये बढ़िया एडल्ट मतलब कंफर्टेबल नहीं बैठ सकते इसमें। यहाँ पे लाइट मिल जाती है, रीडिंग लाइट्स, ये ग्रैब हैंडल्स, इनको फोल्ड कर लेते हैं, एक मिनट भाई, ये हो नहीं रही है, बाद में देखेंगे भाई। कंफर्टेबल सीट्स है, स्पेस की बात करें तो भाई बड़ी स्पेशियस गाड़ी है, देख सकते हो लेग रूम देख रहे हो, ये सीट्स बहुत पीछे है तब इतना लेग रूम आ रहा है, यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाता है, और इन पे ना हैंडल्स पे देख रहे हो आप, ये लाइट चस रही है, एम्बिएंट लाइट है, बढ़िया लगती रात को। यहाँ पे एसी वेंट मिल जाता है, यहाँ पे भी मिलते हैं, और यहाँ से ऐसे कुछ लगते हैं भाई इसके डैशबोर्ड, भाई काफ़ी हैवी हैवी और मतलब मजबूत सी लगती है बहुत गाड़ी, इसके डोरी बहुत हैवी है, तो इसमें भाई बस डीजल इंजन ही आता है, जो हैरियर में आता है वही डीजल इंजन इसमें भी आता है भाई। स्टोर मॉडल की कीमत है 25 लाख रुपए। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।